खरगोन जिला पटवारी संघ ने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, साथ ही शासन द्वारा जारी आदेश का विरोध करके आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बताया जा रहा है कि पटवारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही मई माह का वेतन नहीं दिया गया। इसके अलावा 19 जून को एक आदेश जारी हुआ कि नामांतरण न होने की दशा में संबंधित पटवारी का 2000 का वेतन काट लिया जाएगा। ऐसे में आदेश को लेकर पटवारी संघ ने खासा रोष व्यक्त करके आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन कलेक्टर महोदय द्वारा 19/6/2023 को एक आदेश प्रसारित किया गया है, जिसमें फोटी नामांतरण प्राप्त होने पर पटवारियों पर 2000 रुपए की पेनल्टी लगाने का उल्लेखित किया गया है, जो कि भू राज्य संहिता के नियमों के विरुद्ध होकर यह प्रक्रिया नियमानुसार वैध नहीं है। इसमें तो पटवारियों के साथ साथ तहसीलदार को भी शामिल किया गया ना, तो ये तहसीलदार स्तर पर तहसीलदार लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें मरने वाले पर कभी शासन का, ये तो ऊपर वाले का काम है। अगर कभी मरने वाले की मौत पे अगर बैंड लगाने की कोशिश की जाएगी तो ये प्रक्रिया तो वैसे ही अमान्य है। नियमानुसार तो टोटल गलत है, क्यों? क्योंकि नामांतरण की प्रक्रिया, फोटी नामांतरण की प्रक्रिया तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय समय पर आवेदक द्वारा दी जाती है और उसकी पूर्णता नियमानुसार होके तहसीलदार साहब द्वारा आदेशित किया जाता है। इसमें पटवारी सिंगल कागजों की भरपाई करता है, अन्यथा आदेश तो तहसीलदार कोर्ट से होते हैं, इसमें पटवारी का आदेश करते हैं। सरकार के राजस्व में पटवारी को माना जाता है और वही पटवारी वेतन के लिए उनको परेशान नजर आ रहा, बताया गया कि एक महीने की तनख्वाह भी नहीं मिल रही। नहीं तो ऐसा है, अब ये तो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि जो एक तरफ तो पब्लिक में ये शो कर दिए कि पटवारी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है और पटवारियों से, पटवारियों के काम के अलावा 56 विभाग के दूसरे काम और लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये हालात हैं कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि मई माह का वेतन हम लोगों को नहीं मिला है, जो कि नीति संगत नहीं है। प्रशासन के तहत हमारे भी परिवार लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, खाना पीने का खर्चा है, किराया भाड़ा है, ये सारी सुविधाएं से वंचित होकर पटवारी एक महीने का सुविधा प्रदान कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, ये 25 साल से जो मांग पूरी की जा रही है, उस मांग का अगर निराकरण नहीं होता है चुनाव से पहले, हाँ, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि आने वाले समय में हमारे प्रांत की तरफ से जो निर्देश दिए जाएंगे उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे और उसके तहत आंदोलन करेंगे। सुनील पटेल पटवारी, मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।